दुल्हन की तरह अर्थात प्रसन्नता का जो दीप होता है ना, खुशी का जो दिया होता है, तो कुटिया में भी लोग आनंद कर जाते हैं। देखिएगा, जितने बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े घर बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, इनमें पुताई हो गई एक बार, अब 8 साल 10 साल अटल हो गया, फिर तो पानी फेर दो, पोछ दो, चल जाएगा। पर एक जो झोपड़ा होता है ना, जो घर छोटे छोटे कच्चे कच्चे, जितने लोग गांव में आधिकाधिक छोटे शहरों में जो मकान बनाए हैं, तो उनका भाव देखिएगा, वो रंगोली भी डालेंगे, वो लीपेंगे भी, पोतेंगे भी, पुछाई भी करेंगे, 15 दिन पहले से सफाई का क्रम चालू हो जाता है, उनका आनंद सुख प्रारंभ हो जाता है, आनंद सुख वो चालू, वो प्रारंभ। भाव भगवान को बुलाने का होना चाहिए। और एक निवेदन आप सबसे है, लक्ष्मी मैया का अगर आज आप पूजन कर रहे हो भगवान शंकर की कृपा से, क्योंकि मेरे भगवान विष्णु को भी अगर लक्ष्मी किसी ने दी थी तो किन ने दी है, मेरे नारायण को अगर लक्ष्मी किसी ने दी है तो मेरे भगवान शिव ने प्रदान करी है। किसने दी है? भगवान शिव। नहीं तो माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर को दे रही थी, भगवान शिव को, पर मना कर दिया बाबा ने। बाबा बोले, नहीं ख्याति माता, आप अपनी बेटी, अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह अगर करना चाहती हो तो भगवान विष्णु के साथ करिए, नारायण के साथ करिए। तो भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी प्राप्त हो रही है तो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हो रही है। तो निवेदन आपसे भी है कि भगवान शंकर का स्मरण करना, दीपावली का पर्व है, घर में जब शाम के समय आप लक्ष्मी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, भगमाता लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करा रहे हो, तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करिए, और तब लक्ष्मी की पूजन करने बैठिए। और माता लक्ष्मी का पूजन करते समय आपके मन में ये भाव प्रबल आना चाहिए कि माँ, हमने जो पूर्व में गलती करी, हमने जो पुरानी गलती करी, हो सकता है कि हम आपका सम्मान नहीं कर पाए हों, हो सकता है आप हमारे दरवाजे पर आई हो, हम आपका आदर ना कर पाए हों, पर माँ आज क्षमा मांगते हैं ऐसी कृपा। इसलिए आपको पहले भी शिव पुराण में कहा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल लेने से सारे दोष, सारी गलतियां क्षमा हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मात्र पंचाक्षर मंत्र। और आप अगर भगवान भूत अधिपति भगवान शंकर का स्मरण कर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो ये पक्का है अगर हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान भोलेनाथ उसको क्षमा कर देंगे। और माता से निवेदन करना, हे लक्ष्मी मैया, हे वैभव लक्ष्मी, हे माता अष्टलक्ष्मी, हे माँ संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, हे माँ ऐसी कृपा करिए, आप हमारे घर से रुष्ट होकर ना जाइएगा, ये घर, ये परिवार, ये सब आपका है, सब आपका, ये किसी दूसरे का नहीं। मां पूजन करते समय माता लक्ष्मी से जरूर कहें, मां 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये 2 वर्ष जो ये कोरोना महामारी, माँ पूजन करते समय माता लक्ष्मी से जरूर कहें, माँ 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये 2 वर्ष जो ये कोरोना महामारी